रेलवे स्टेशन कोई भी हो उसका एक स्थापना दिवस जरूर होता है, जन्मदिवस जरूर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेलवे ने रेलवे स्टेशनों का जन्मोत्सव यानी स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पुणे समेत कई स्टेशनों के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। कोयम्बटूर के रेलवे स्टेशन ने तो यात्रियों की सेवा के 150 वर्ष पूरे किए हैं। ऐसी उपलब्धियों पर वहां के लोगों को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। अब रेलवे स्टेशनों का जन्मदिवस मनाने की इस परंपरा का और विस्तार किया जाएगा, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरे परिवारजनों, अमृत काल में देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विजन को संकल्प से सिद्धि का माध्यम बनाया है। 2047 के जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था तब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्रालय किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्य से होगा उसी राज्य में ज्यादा ट्रेनें चलेगी, और उसमें भी होता यह था कि नई ट्रेनों की घोषणाएं तो कर दी जाती थी लेकिन पटरी पर बहुत कम ही उतरती थी। इस स्वार्थ भरी सोच ने रेलवे का ही नहीं देश का बहुत बड़ा नुकसान किया, देश के लोगों का नुकसान किया। अब देश किसी राज्य को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता। हमें सबका साथ सबका विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे परिवारजनों, आज मैं रेलवे के अपने परिश्रमी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा, जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगह से यात्रा करके आता है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभव ही नहीं बताता, वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने की पूरी बात करता है। वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं, वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्थित हो गया है, उसके अनुभवों में टीटी का व्यवहार, उसके हाथ में कागज की जगह टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए आपको रेल के हर कर्मचारी को ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संवेदनशील रहना होता है। और आजकल ये बातें जब सुनने को मिलती है कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है। और इसलिए मैं ऐसे जो प्रतिबद्ध रेल कर्मचारी हैं उनकी भी जी जान से बधाई दे करता हूं।